हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। तो आज हम रेडी करके दिखाने वाले हैं आप लोगों को, सिखाने वाले हैं पिस्ता केक कि पिस्ता केक कैसे बनाया जाता है। तो हम आप लोगों को यहां पे जो है बताने वाले हैं। तो आप लोग जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमको हेल्प मिले और सपोर्ट मिले आप लोगों का। तो यहाँ पर हम चले रेसिपी को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर 6 अंडा लिया है। तो 6 अंडे से हम जो है आज पिस्ता केक बनाने वाले हैं। पिस्ता पेस्ट्री केक ये होगा हमारा। तो यहाँ पे जो है मैं 6 अंडे को यहाँ पे तोड़ लूँगा। तो यहाँ पे देखिए अंडे हमारा हाल फिलहाल हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे अंडे को मिक्स करना है। तो मैं आप लोगों को बोला था पहले वाले वीडियो में, आप जितना भी अंडा ले सकते हैं उतना ही आपका जो केक है और स्पॉन्ज है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो ऐसे ही जो है मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से हैंड मीटर से विक कर लेना है ताकि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। तो देखिए हमारा जो है ये क्रीम फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कोई भी ले सकते हैं आप। 100 ग्राम ऑयल डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद लेंगे हम वनीला एसेंस। वनीला एसेंस लेना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर कोई भी एसेंस, कोई भी अगर केक बनाते हैं आप कोई फ्लेवर का, तो उसका एसेंस लेना ज़रूरी है, नहीं तो अंडे का जो स्मेल है वो नहीं जाएगा केक से। तो जाहिर सी बात कि आप लोग एसेंस को ऐड करें तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम लगभग शुगर डाला है और ये मेरा पीसा हुआ शुगर है। और शुगर को पीसा हुआ अच्छा होगा, और अगर पीस लिया है तो बहुत अच्छा होगा, आपका केक के लिए बहुत केयरफुल होगा। यहाँ पे हमने शुगर भी डाल दिया है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो हैंड मीटर है वो अपने आप चलता है क्योंकि उसको हम बांध के झुला दिया है। उसके बराबर में ऐसा ही हम जो है बांध दिया है, उसको गाँट लगा के बांध दिया यहाँ पे। तो हमारा हैंड मीटर अपने आप यहाँ पे जो है काम करता है, और खाली बस साइड में से हमको लेने के लिए थोड़ा हैंड मीटर पकड़ के ऐसे खाली बस हिला दोगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे रेडी। तो देखिए हमारा जो बटर है वो हो चुका है हाल फिलहाल रेडी यहाँ पे। तो हम इसमें अभी मैदा डालेंगे। तो हमने 300 ग्राम शुगर ऐड किया, तो 300 ग्राम मैदा भी लिया हमने यहाँ पे। तो जितना आपका शुगर है उतना ही आपका मैदा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेंगे हम बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद लेंगे हम सोडा, यहाँ पे सोडा 1/2 टीस्पून लेना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। तो देखिए इस तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे यहाँ पे। तो हमने छान लिया है। तो इसके बाद जो है हम स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों के पास स्पैचुला नहीं है तो वही हैंड मीटर से ही आप इसको मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट में इसको हैंड मीटर से ही मिक्स करेंगे। तो देखिए क्योंकि हमारा आज बहुत ज़्यादा बटर है तो हम हैंड मीटर से इसको यहाँ पे मिक्स किया है। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइट लग रहा था तो हमने यहाँ पर जो है 25 ग्राम के लगभग दूध ऐड किया है। अगर ज़्यादा दूध डालते हैं आप लोग तो फिर जो हमारा बटर होगा वो गीला हो जाएगा, यानी कि लूज़ हो जाएगा, तो फिर आपका जो है बहुत टाइम लगेगा ब्रेकिंग होने में। तो यहाँ पे देखिए मैं पिस्ता, यहाँ पे फूड कलर जो है पिस्ता कलर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। पिस्ता केक बना रहा हो तो मुझे पिस्ता फूड कलर यूज़ करना है। तो देखिए पिस्ता फ्लेवर है ये, कलर नहीं, इसका टेस्ट भी आएगा। ये ऐसा है, कलर अलग होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने मिक्स कर लिया है, हमारा पिस्ता कलर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको डालेंगे बेकिंग करने के लिए। इसको हम साइड में रखते हैं, फिर हम जो हमारा टिन है उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे यहाँ पे। अच्छे से हम ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके ना केक। और ग्रीस करना ज़रूरी है, नहीं है तो फिर आपका जो केक है वो चिपक जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा से भी इसको बना सकते हैं। मैदा को हल्का सा बिछा के उसके ऊपर बटर डाल के बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यह हमें ब्रेकिंग करना है क्योंकि हमारा जो बटर है बहुत ज़्यादा है, तो हमें ब्रेकिंग का थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने जो ब्रेकिंग टाइम रखा है वो 190 सेल्सियस और 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट से हम इसको ब्रेकिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसको जो है ब्रेकिंग में डाल देंगे। तो इसको हम डब कर लेते हैं ताकि इसका जो बबल्स है वो टूट जाए, फूट जाए। तो यहाँ पे हो गया है, अभी हम इसको जो है ब्रेकिंग में डालेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेकिंग के बाद। तब तक के लिए बाय।
तो यहाँ पे जो है मैं दूसरा भी हमारा जो बटर बच गया था तो इसमें भी मैं डाल दिया है उसको, ताकि ये बच गया तो हम इसको दोबारा बनाएंगे, पिस्ता केक ही बनाएंगे हम, जो इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि हम इसको केक बनाएंगे और जो बना रहे हैं अभी हम उसको पेस्ट्री बनाएंगे हम। तो दो यानी कि दो डिजन का हमारा केक होगा यहाँ पे। तो देखिए इसको जो है हम अलग रख देंगे, वो हमारा ब्रेकिंग हो रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क कंपाउंड, वाइट मिल्क कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे, 50 ग्राम के लगभग मैंने मिल्क कंपाउंड यूज़ किया है यहाँ पे। तो देखिए ऐसे ही जो है हमको ले लेना है। इसका हम जो है गनाश बनाएंगे, और गनाश कैसे बनाते हैं आप लोगों को तो मालूम है, हम पहले भी बताया था एक वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए गनाश बनाने का, हमने यहाँ पे 50 ग्राम के लगभग उसमें हमने वो कंपाउंड डाला था, उसके बाद हमने 25 ग्राम के लगभग हमने दूध डाल के यहाँ पे ऐसे मिक्स कर लिया है। हमारा जो गनाश है वो मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे भी हम पिस्ता ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, ताकि इसमें पिस्ता खुशबू आए और टेस्ट आए। गनाश बहुत अच्छा बना है यहाँ पे हमारा। तो ऐसे ही जो है आप लोग गनाश बना सकते हैं। गनाश बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों को, सिंपल सा हो जाएगा। तो गनाश बनाना बहुत सिंपल है, आप लोग बना सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो है गनाश हो चुका है, इसको ज़्यादा हम टाइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा गनाश को रेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, गरम गरम डालेंगे तो केक को पूरा बिगाड़ के रख देगा, तो उसका भी ध्यान रखने का आप लोगों को। तो गनाश अगर गर्म है तो उसको ठंडा करें, फिर उसके बाद जो है केक में उसका काम करें आगे का। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेकिंग केक बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जो है ब्रेकिंग हो चुका है, तो हमने इसको निकाल लिया है तो बहुत सॉफ्ट हुआ है और बहुत अच्छा ब्रेकिंग हुआ है हमारा केक। तो देखिए यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि कितना अच्छा बना है। तो अभी जो है हम इसको साइड से काट लिया है, तो हम इसको हम निकाल लेंगे, फिर इसका बटर पेपर जो है वो निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त हुआ है और कितना सॉफ्ट है, ये पकड़ने से भी ये दब जाता है। तो अभी जो है हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको हम तीन लेयर में कटिंग करेंगे, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो इसको बराबर कर लिया हमने, इसको ऐसे ही हम जो है कट कर लेंगे। अंदाज से भी कटिंग कर सकते हैं आप लोग, कोई रस्सी वस्सी यानी कि लगा के कट करता है, तो आप लोग जो है अगर नहीं है तो ये ऐसे ही जो हमने कट किया है वैसे भी कट कर सकते हैं। तो तीनों लहर को हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्रीम भी रेडी है। तो अभी जो है अब हम जो है अभी यहाँ पे थोड़ा क्रीम लगाएंगे और केक का प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो केक बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो देखिए आप लोग यहाँ पे मैंने दूध से इसको जो है सिरप किया है, हमने दूध का सिरप लिया है यहाँ पे। तो देखिए हमारा फास्ट लहर में हमने क्रीम लगा दिया है यहाँ पे। केक बनाना बहुत आसान है, अगर आप लोग को एक बार दिमाग में आ जाए तो आप बार बार केक बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने पिस्ता डाल दिया था, पिस्ता क्रश डाल के अभी दूसरा लहर लगा दिया। तो इसमें भी जो है हम दूध का सिरप ले लेंगे, तो इसमें भी हम जो है क्रीम डाल के ऐसे ही चारों तरफ घुमा लेंगे। अगर आप लोगों को स्पॉन्ज बनाना आ जाता है तो केक बनाने के लिए बहुत आसान है, घर में ही आप लोग केक बना सकते हैं बर्तन में। अगर ओवन नहीं है तो घर का बर्तनों से भी केक रेडी हो जाएगा, हमने वीडियो डाला है ऑलरेडी। तो देखिए हमारा जो तीन लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी हम ऊपर भी ऐसे हमको दूध ले लेना है। आप दूध भी ले सकते हैं, शुगर सिरप भी ले सकते हैं। तो अभी हम जो है इसको अच्छे से साइडों से इसको प्लेन करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा केक है वो हो गया है यहाँ पे रेडी हाल फिलहाल। तो इसको हल्का हल्का हाथों से हमने यहाँ पे जो है ऊपर से इसको प्लेन कर दिया है। तो देखिए इसमें हम डिज़ाइन भी डालेंगे, और जो हमारा गनाश है वो भी रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए हमारा गनाश भी बहुत पतला भी है और कैसा लग रहा है, ऐसे ही हमको बहुत अच्छा लग रहा है केक यहाँ पे, देखिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ऐसे ही जो है गनाश को ले लेना है। तो अभी जो हम इसको प्लेन कर लेंगे ताकि देखने में ऊपर से अच्छा लगे और पिस्ता जैसा लगे। तो देखिए ऐसे ही जो है आप लोगों को भी रेडी करना है केक। हमारा केक कितना आसान से यहाँ पे जो है रेडी हो चुका है।
अगर आप लोगों के पास सामान है तो आप लोग भी घर में ये केक रेडी कर सकते हैं। तो ये केक में मैं मेरा फर्स्ट नाम का ए दे दिया था, क्योंकि मेरा नाम है असलम, आप लोगों को मैं बोला नहीं है कभी, तो मेरा नाम है असलम रेज़ा, तो इसलिए मैं रिलेटिव में रखा है रेज़ा किचन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मैं क्रीम का टॉपिंग कर दिया है और इसमें मैं शुगर बॉल ले लूँगा थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए इसका लुक बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारा केक और हमारा रेसिपी आप लोगों को सिखाने के लिए हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अभी मुझे मेहनत का फल नहीं मिला है। तो हम उम्मीद भी रखा है कि कभी ना कभी होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब